Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn how to print long integer or short integer. So integer are of two types. If you don't know about the integer is a value. Integer is a type of data type in which we put positive or negative value, not a decimal value. So चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको प्रैक्टिकली पाइथन पर कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू क्या है. सबसे पहले मैं पाइथन का जो एडिटर है उसको ओपन कर लेता हूं और इस पर हम समझेंगे इसको. ठीक है, तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि ये जो एडिटर है इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं. तो आइए चलिए देखते हैं. सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे मैं एक वैल्यू लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, ठीक है, और इसमें असाइन करता हूँ मैं 200 यानी 200. अगर मैं इसमें 200 असाइन करता हूँ तो क्या होता है, इसमें मैंने 200 असाइन कर दिया है. अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट. ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल ए बनाया है तो इसको ब्रैकेट में ए को मैं प्रिंट करा दूंगा. तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा यहाँ 200 प्रिंट होकर आ जा रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली. ठीक है, अगर मैं बात करूं एक और वेरिएबल बनाने की, बी इज इक्वल टू मैं यहां रखता हूं 1111 यानी 1111 मैं रखता हूं और इसको मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूं. यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट. ठीक है, और यहां पर जो बी की वैल्यू है उसे हमें प्रिंट कराना है. इंटर प्रेस करता हूं तो यहां क्या प्रिंट होकर आता है 1111. ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक बाइनरी वैल्यू है. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कि हमें प्रिंट करवाना हो, जैसे हम इसको लॉन्ग इंटीजर टाइप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लगाना होगा ए. जैसे वेरिएबल हमने ए बनाया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए इज इक्वल टू. ठीक है, क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू यहां लिखता हूं मैं 0 और कैपिटल बी. ठीक है, यहां लिख दिया 0 कैपिटल बी. अब यहां लिखता हूं 1111. ठीक है, यानी वही चीज मैं फिर लिख रहा हूं और यहां पे एंटर करूंगा तो यहां पे क्या प्रिंट होगा, आप देखिए यहां पे मैं प्रिंट करवाता हूं इसको प्रिंट. अब किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है हमें, ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है. इसके पहले हमने ए वेरिएबल बनाया है. ठीक है, एंटर जैसे ही करूंगा यहां 15 प्रिंट होकर आ रहा है. तो आपकी समझ में ये बात आ रही होगी कि चीज सेम है. देखिए यहां पर भी हमने क्या लिया है, यहां पे b इज इक्वल टू 1111 फोर टाइम 1 लिया है और यहां पर a इज इक्वल टू 4 टाइम 1 लिया है. फर्क यही है कि यहां 0 b लिखने से या 0 स्मॉल b या 0 कैपिटल b लिखने से ये इस वैल्यू को जो कि आपको लाइक अ बाइनरी वैल्यू दिखाई दे रही है, इसको एज अ बाइनरी वैल्यू न लेकर के डेसिमल वैल्यू पाइथन लेता है. और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये लॉन्ग इंटीजर है. ठीक है, इसे हम लॉन्ग इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं. तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि लॉन्ग इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर को पाइथन पे प्रिंट कैसे करा सकते हैं.